राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए गुलमोहर कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक छात्र छात्राओं का इच्छा शक्ति कब तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मौके पर छात्र द्वारा बनाए गए चित्र तथा अन्य सामग्री को मंत्री जगन्नाथ महतो ने देखा और कहा कि आप लोग ऐसे ही हम लोग का साथ देंगे तो एक दिन झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होगा। देखिए, सेव द झारखंड, ये इच्छा शक्ति बढ़ाने का है। इच्छा शक्ति जब तक छात्र छात्राओं का, अभिभावक का, सामाजिक कार्यकर्ता तो उनके इच्छा ही है, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस को आपने आग्रह किया है कि क्लास लें, पत्रकारों से भी आग्रह किया है, उसके पीछे कारण है कि अभी हमारे यहाँ फुल प्लेजर में शिक्षक नहीं है। फुल प्लेजर में शिक्षक नहीं तो कमी थोड़ा है, वो कमी को खुद अपने में स्वीकार करता हूँ। क्लास ले भी रहे और अखबार और टीवी के माध्यम से देखे होंगे, क्लास ले भी रहे और हम शिक्षकों को कमी को पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पहले पूरा परिचय एक बार दे दें। हाँ, मेरा नाम है महादेव हंसदा और मैं स्टेट हेड सेव द चिल्ड्रन बाल रक्षा भारत झारखंड ऑफिस से हूँ। आज क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या आकलन है, क्या निष्कर्ष है? आज जो कार्यक्रम है ये वास्तव में पिछले 3 साल से हमारे एक परियोजना चल रहा था जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स। ये जो बच्चे 3 साल से 14 साल की उम्र के हैं, उन बच्चों का कैसे हम लोग प्रारंभिक तथा बुनियादी शिक्षा को मजबूत करें, उसके संबंधित ये परियोजना 5 राज्य में है, उसमें से झारखंड एक राज्य है और उसमें 2 जिला हम लोगों ने लिया है, पश्चिम सिंहभूम, और उसमें 2 ब्लॉक है, तांतनगर और टोंटो, और गुमला जिला है उसमें भी 2 प्रखंड है, एक भरनो और एक सिसाई। और ये परियोजना के तहत यही हमने पाया है कि जो बच्चे 3 से 6 साल के हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर में जाते हैं, उसका कैसे हम लोग दुरुस्त करें ताकि स्कूली पूर्वी शिक्षा, या तो हम बोल सकते हैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो, उसमें हम लोग जो काम किए हैं आज वो शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने एक तो ICDS के साथ मिलके, विभाग के साथ मिलके हमने कैसे किया है वो, और उसके बाद वो बच्चे किस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर से स्कूल पहुंच रहे हैं, और उसमें शिक्षा विभाग का भी एक बड़ा भूमिका है, और उनके साथ मिलके हम आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के साथ मिलके हमने जो बच्चे आंगनवाड़ी से स्कूल आ रहे हैं उस बच्चों को, खासकर क्लास 1 एंड 2 ना, हालांकि क्लास 3 तक का जोर दिया गया है, शिक्षा जो नीति आया है 2020 में उसमें 3 से 9 साल के बच्चे, तो उसमें से इस परियोजना में हम लोग कवर कर पाए हैं कि दूसरी कक्षा तक के बच्चे। और उसके अलावा ये जो निपुण भारत मिशन आया है, उस मिशन झारखंड सरकार भी यहाँ पे ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो उसमें जो JEPC है, शिक्षा विभाग के साथ मिल के किस तरीके से अलग अलग NGOs और उसमें सेव द चिल्ड्रन भी एक है, हम लोग किस तरह मिल के उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं वो आज शेयर करने वाले हैं हम लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।